अब अखिलेश यादव के हाथों में आएगी कमान, यूपी की सियासत में घमासान। दिल्ली की गद्दी के लिए छिड़ेगा संग्राम, अखिलेश बिगाड़ेंगे कांग्रेस का काम। कांग्रेस के नैयाब अखिलेश के भरोसे, विपक्ष भी राहुल गांधी को ही कोसे। यूपी की सियासी जंग में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अखिलेश यादव ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं जिसे दूसरे नेता समझ तक नहीं पाएंगे। राजनीति की लड़ाई इस समय सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे की कहावत जैसी हो गई है। अपने अपने स्वर तो हैं, लेकिन जीत का व्यंजन गुप्त में चखना चाहते हैं। इस समय विपक्ष का एक ही मकसद है, मोदी सरकार को केंद्र से हटाना। ऐसे में अखिलेश यादव ने अपने हाथों में बाजी ले रखी है, क्योंकि पूरा विपक्ष जानता है अखिलेश यादव के बिना इंडिया गठबंधन काम का नहीं है, क्योंकि अखिलेश यूपी की राजनीति से ताल्लुक जो रखते हैं। फिर इस तरह की रणनीति कैसे अलग हो सकती है कि बिना सपा अध्यक्ष के हाथ आजमाया जाए। पूरा फोकस है इंडिया गठबंधन की बैठक पर, जिस पर बीजेपी, यहां तक कि पीएम मोदी खुद तंज कसते फिर रहे हैं। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद से इंडिया गठबंधन को लेकर जो मुश्किलें आई हैं वो जग जाहिर है। ऐसे में अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ही कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के हाथों में इंडिया गठबंधन की कमान होगी। ऐसा अगर कहें तो कोई गुरेज नहीं। साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी, विपक्षी एकजुटता पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं फूट पड़ती नजर आई थी। इसी फूट की वजह से राज्यों के नतीजे आने के तुरंत बाद कांग्रेस की ओर से बुलाई गई इंडिया गठबंधन की बैठक से सभी दलों ने दूरी बना ली थी। एन मौके पर बैठक को कैंसिल कर दिया गया। अब इस बैठक के लिए एक नई तारीख तय कर दी गई है। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में होगी, लेकिन बैठक से पहले सवाल उठने लगे हैं कि क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव इस बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं। हालांकि राज्यों के नतीजे आने के बाद से अखिलेश यादव के बयानों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रति नरमी देखी जा रही है। ऐसे में सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के शामिल होने के पीछे की असली वजह है बीजेपी को हराने की, जिसके लिए अखिलेश यादव हर एंगल से राजनीति करने में उतरे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल पूछा तो सपा मुखिया ने तपाक से कहा कि इंडिया गठबंधन होगा, ये जो राज्यों के परिणाम आए हैं इससे इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि हमने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो सपा गठबंधन के साथ पहले थे। उन्होंने कहा कि गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा, 80 हारने पर ही बीजेपी हटेगी, बीजेपी के हटने के बाद ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। दरअसल यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और दिल्ली की सत्ता यूपी से होकर जाती है, ये कांग्रेस को भी पता है और अखिलेश यादव अच्छे से जानते हैं। ऐसे में 80 सीटों की जंग में अखिलेश यादव दूसरे नेताओं की तुलना में सबसे 20 हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की राजनीति धुरी भी यूपी से है। रही बात कांग्रेस से नाराजगी की, तो वो सब जानते हैं कि एमपी में सपा के साथ जो हुआ वो अखिलेश यादव भूल नहीं सकते। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर जो सीटों का बंटवारा होगा, उन सीटों की गुणा गणित यही है कि अखिलेश यादव अपने पास ज्यादा सीटें मांगेंगे, क्योंकि कांग्रेस का यूपी में तो जनाधार है ही नहीं।